थैंक यू जीसस। या ओके दोस्तों, जय मसीह आप सभी को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पास्टर डैनियल राज का प्यार भरा सलाम। मैं समझता हूं कि 9 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जल्दी आ जाऊं। सो आप सभी का स्वागत है आस्क डैनियल राज लाइव फेसबुक प्रोग्राम में, जो आज का चौथा दिन है। और मैं आशा करता हूं कि पिछले 3 दिन से जो भी बातें हुई हैं, सवालों के जवाब यहां से दिए गए हैं, आपने उसमें आशीष पाई है। मुझे भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं यूट्यूब फेसबुक से। मैं समझता हूं कि हजारों की तादाद में लोग देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि फेसबुक पे ही 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार लोग जो है देख चुके हैं या व्यूवर्स देख चुके हैं, जिसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे पूछूं कि क्या मेरी आवाज़ ठीक है, तो नीचे टाइप करें। अगर सब कुछ ठीक से दिख रहा है तो वो भी आप टाइप करें, दैट वॉइस इज ऑडिबल एंड विजुअल्स आर क्लियर। मैं उसके लिए वेट कर रहा हूं कि आप नीचे टाइप करें। जी क्या सब कुछ ठीक है वहां पे, बता रहे हैं? ओके वंडरफुल। नाउ ये कुछ सेकंड तक यहां पे रहेगा, जो कि ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ था मंडे को, यानी कि पिछले मंडे को। ये चलेगा सैटरडे तक, यानी 17 तारीख से 22 तारीख तक ये जो है प्रोग्राम चलेगा लगातार 6 दिन रात को 9 बजे। सिर्फ कल जो है मैं 8 बजे आया था, और रात को 8 बजे सिर्फ मैंने कल बात करी थी, लेकिन जो टाइम है वो 9 बजे का ही रहेगा। उस वजह से जो है हमने किया था, क्योंकि कल दो अलग सब्जेक्ट पे हमने अलग से बात करी थी जो लिस्ट में नहीं है हमारे 45, उस वजह से ना। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि सैटरडे आखिरी दिन एक अलग विषय पे मैं बात करूंगा, और मैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है कल फेसबुक पे डालूंगा। और साथ ही साथ कल भी मैं आपको ये बताऊंगा और स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा वो कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं सैटरडे को शायद हो सकता है जल्दी आकर उसके ऊपर भी बात करूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी टीम से कि कितने लोग जुड़ गए हैं अभी? 21। ओके वंडरफुल। ना फिर से पूछूंगा, नीचे टाइप हो रहा है कि वॉइस क्लियर, सब कुछ क्लियर है? ना आस्क डैनियल राज लाइव फेसबुक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये जो लाइन है जो आप पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब और फेसबुक वाले जितने भी मेरे मित्र हैं मसीह या क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ। सवाल पूछें, फोन करें और सवाल पूछें, बाइबल से सवाल पूछें। साथ ही साथ 2-3 चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग जब फ़ोन करते हैं तो नेटवर्क में आके फ़ोन करें, आपके प्रश्नों को तैयार रख के फ़ोन करें। और जब आप लोग फ़ोन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो सटीक पूछें, एक्यूरेट पूछें, सटीक पूछें, ताकि जो है हमारी जो टीम है जब आपके कॉल को अटेंड कर रही है वो आपको ठीक से समझ सके और मुझ तक पहुंचा सके। दूसरी चीज़, फेसबुक या यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स में अपने सवाल नहीं डालें। मेरा नंबर देने का मतलब ही यही है कि आप लोग मुझे कॉल करें। अब 1 घंटे के या 1.5 घंटे के प्रोग्राम में आप कितना कॉल कर सकते हैं, ये प्रश्न आपके मन में ज़रूर उठ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 9 से 10:30 तक ही फ़ोन उठाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दूसरे दिन भी फ़ोन उठाता हूँ, शाम तक फ़ोन उठाता हूँ। आप लोग जब कॉल करते हैं तो मैं उसका फ़ोन का रिप्लाई भी देता हूँ। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग कॉल करते हैं वो इस बात को जानते हैं जिस नंबर पे आपको फ़ोन करना है। और याद रखिए, जिन बातों को हम बता चुके हैं 3 दिन से, जो प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं, उसको वापस वापस ना पूछें, ठीक है ना। नंबर है 7738088850, दूसरा है 9982335777। ये दोनों नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम उपलब्ध है, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। ना मैं चाहता हूँ कि मैं कल जहाँ रुका था मैं उसी प्रश्न पे वापस आ जाऊं, और वहां से आगे जो है हम बढ़ेंगे। एक सज्जन ने पूछा भी था क्या पवित्र आत्मा पाप करने के बाद एक विश्वासी में से चला जाता है। मैं इसका जवाब दे चुका हूं। अब यहां पे हम रुक गए थे और इसका सीधा जवाब था नहीं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:19, आत्मा को ना बुझाओ। मैं बता चुका हूं कि पवित्र आत्मा अंदर है, इसलिए बुझाने की बात हो रही है। और पवित्र आत्मा ही आपको कन्विक्ट करता है, आपको बताता है, जताता है। तो आप ये बात को समझे। कुछ लोगों ने कन्विक्ट का हिंदी ट्रांसलेशन मुझे भेजा था, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं फिर टीम से पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले और इस प्रश्न पे आने से पहले, क्या वहां सब ठीक चल रहा है? जी ये थोड़ा सेकंड में रख रहा हूँ, आप लोग इसको देख लें।
और मैं समझता हूँ कि आज कॉल्स मैं ज्यादा लूंगा, 19 तक जो है हम प्रश्नों का उत्तर आपको देते रहेंगे 19 पॉइंट तक, और फिर बचे दो दिन में मैं कवर करूंगा, और अगर नहीं होता है 45 क्वेश्चंस के आंसर तो मैं वापस जब तय करूंगा कि मैं वापस कब आ रहा हूँ क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम को लेकर, आज के डैनियल राज का प्रोग्राम को लेकर, तो मैं उसमें कंटिन्यू करूंगा ना। मैं चाहता हूं कि मैं यहां से इसको शुरू करूं जी। और जो कि लिखा है, क्या स्त्री को सिर ढकना चाहिए? मैं रिपीट करता हूं, क्या स्त्री को सिर ढकना चाहिए? कब? प्रार्थना के वक्त और प्रचार के वक्त, यानी कि भविष्यवाणी का जिक्र वहां पर है, लेकिन ग्रीक में वो प्रोफेटोस है जिसका इंग्लिश वर्ड है प्रोफेट, और जिसका हिंदी शब्द है भविष्यवाणी, जिसका मतलब होता है फोर्थ टेलिंग, किसी व्यक्ति को सामने रखकर उसको कहना या प्रचार करना। ये ग्रीक ओरिजिनली जो लिखा गया था यूनानी भाषा में, ये उसका मतलब है ना। फिर से कहूंगा, क्या स्त्री को सिर ढकना चाहिए? एक प्रार्थना के वक्त और दूसरा प्रचार के वक्त या भविष्यवाणी के वक्त। आपके स्क्रीन के ऊपर जो ऊपर लिखा है आप उसको पहला देख लीजिए ना। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि दो तरह के क्रिश्चियंस हैं हमारे मसीह समाज में, एक है मैच्योर क्रिश्चियन और दूसरे है अनमैच्योर क्रिश्चियन, एक है परिपक्व मसीह और दूसरे है परिपक्व अपरिपक्व मसीह, जिसको मैं कहूंगा कि बच्चे मसीह हैं और जो श्याने मसीह हैं वे भी। तो उन लोगों के लिए जो अभी मैं जवाब दूंगा, शायद हो सकता है जो अनमैच्योर क्रिश्चियंस हैं, जो चीजों को नहीं समझते, उनको अलग लगेगा, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहे, पूरा सुने, और जब तक आपका ये जो पॉइंट है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता है तब तक जो है मेरे साथ में बने रहे। ये फेसबुक वालों के लिए भी है और यूट्यूब वालों के लिए भी है ना। मैं वापस कहता हूं, क्या स्त्री को सिर ढकना चाहिए? जिसका सीधा जवाब है नहीं। मैं रिपीट करता हूं, जिसका सीधा जवाब है नहीं ना। कुछ विचित्र लोग जो है इसको एडिट करके वो शो कर सकते हैं कि डैनियल राज जो है, क्या स्त्री को सिर ढकना चाहिए, उसके प्रति एडिट करके, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरी अलग अलग वीडियो जहां पे मैं किसी को डांट रहा हूं, जैसे कि फ्रांसिस ग्लोरी अपोलोजिस्ट को मैंने डांट लगाई थी, उसका इतना सा एडिट करके लोगों ने उसकी वीडियो बनाई और खूब चलाई, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो व्यूअर्स है उनको समझना जरूरी है कि आप पूरा वीडियो देखें, आप पूरा ऊपर से लेके नीचे तक समझें, फिर उसके बाद में कोई नतीजे पर आए। एक और व्यक्ति था, उसका नाम था धर्मपाल, हालांकि उनकी निधन हो गई है, वो चल बसे हैं और वो प्रभु में सो गए हैं। उन्होंने भी वीडियो बनाई कि डैनियल राज का असली चेहरा शास्त्री फरसी की तरह, तो उसने भी पूरी वीडियो नहीं देखी, उसने पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझा और उसने वीडियो बना दी। तो ऐसा कभी नहीं करें, मेरा ही नहीं, किसी का भी। आपको पूरा वीडियो देखना है, आपको पूरा समझना है, उसके बाद में आपको समझना बहुत जरूरी है ना। मैं वापस कहता हूं, क्या स्त्री को सिर ढकना चाहिए? ये इसका सीधा जवाब है नहीं। जब मैं कहता हूं नहीं तो इसका मतलब है आगे कुछ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब आगे क्या है? अब आप पूछेंगे क्यों ऐसा, ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा जवाब क्यों दिया, क्यों ऐसा, बड़े ध्यान से सुनेगा। मैं वापस पूछ रहा हूं, यहां सब ठीक चल रहा है? ओके ना, कोई भी वचन हो उसका कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। मैं रिपीट करता हूं कि कोई भी वचन हो, वो चाहे स्त्री का सिर ढकने का मामला हो, अन्य भाषा हो, सबात हो, या कोई भी एक्स वाई जेड, आप जब तक उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी ना। मैंने कल कहा था भजन संहिता, एक वचन निकाली भजन संहिता 41 का वन, मैंने कल कहा था कि भजन संहिता उसका 14वां अध्याय वचन 1, द बुक ऑफ सैम चैप्टर 14 एंड वर्स 1, जो कि कहता है परमेश्वर नहीं है, इंग्लिश में कहता है देयर इज नो गॉड। अब इतना सब पढ़ के क्या आप ये कहोगे, क्योंकि बाइबल कहती है, 90% लोग यही कहते हैं, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है। आइए पढ़ते भजन संहिता 14 का 1, आइए सुनते हैं भजन संहिता 14 का 1, यहां सब ठीक चल रहा है जी? भजन संहिता 14 का 1, मूर्ख ने अपने मन में कहा, उसका बी पार्ट पढ़िए, कोई परमेश्वर नहीं है जी,
कोई परमेश्वर है ही नहीं. रिपीट. कोई परमेश्वर है ही नहीं. ओके, अगर आप इतना सब पढ़ोगे या एडिट करके कोई डाल दे कि कोई परमेश्वर नहीं है बिकॉज बाइबल कहती है, तो क्या आप मान लेते हो? नहीं, आप नहीं मानते हो. आप पूरा पढ़िए. मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही बस, नहीं. तो लिखा है बाइबल में कि कोई परमेश्वर नहीं है. अब कॉन्टेक्स्ट क्या है कि किसने कहा? तो मूर्ख ने कहा. तो मूर्खों की बात हम क्यों सुने? जी, मैं वही समझा रहा. तो वैसे ही यीशु ने कहा, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए या दे तो तू अपनी आंख निकाल दे, या हाथ ठोकर खिलाए तो आंख काट दे. तो क्या हम हाथ पैर काटते बैठे, आंखें निकालते बैठे? नहीं. कल एक व्यक्ति ने या परसों व्यक्ति ने, याद नहीं आ रहा, उसने कहा कि शादी के बाद पति पत्नी माता पिता से अलग रहे, बाइबल कहती है. तो क्या माता पिता को हम घर से निकाल दें? नहीं. तो उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा कि क्या लिखा है, क्या कह रहा है. वैसे ही जैसे मैंने कहा कि स्त्री को सिर पे कपड़ा रखना चाहिए या ढकना चाहिए, वेल या फिर पर्दा करना चाहिए, सीधा जवाब है नहीं. तो यहां पे आपको रुकना है कि अब आप पूछोगे क्यों ऐसा. तो मैं फिर से कहता हूं, कोई भी वचन हो उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है कि पौलुस ने क्यों कहा, किसको कहा, वहां का कल्चर क्या था, वहां का शहर कैसा था, और वो कब तक के लिए, क्या वो हमेशा के लिए ना. एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं जो मैंने इसमें नहीं डाला है. कोई भी संस्था या डिनोमिनेशन जब कोई डॉक्ट्रिन बनाती है या सिद्धांत बनाती है, डॉक्ट्रिन बनाती है, तो एक वचन के आधार पर कोई भी डॉक्ट्रिन नहीं बनता है. मैं रिपीट करता हूं, आपको कम से कम 2-3 स्क्रिप्चर सपोर्टेड होते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ओल्ड टेस्टमेंट हो या न्यू टेस्टमेंट हो, वचन कहता है किसी पर दोष लगाने से पहले आपके पास में 2 से ज्यादा गवाह होने चाहिए, तब जाकर वो बात क्या होती है, पक्का ठहरती है. उसका वाईफाई बंद कर दो, गैलेक्सी का, सैमसंग गैलेक्सी का. ना वापस आते हैं कि अगर किसी को दोषी ठहराना है तो कम से कम 2-3 को गवाह होना बहुत जरूरी है. वैसे ही आपको कोई डॉक्ट्रिन बनाने के लिए, पंथ या सिद्धांत को बनाने के लिए, आपके पास कम से कम सपोर्टेड 2 से ज्यादा वचन या स्क्रिप्चर सपोर्टेड होना चाहिए. तो इसका मतलब है वो चाहे अन्य भाषा हो, 1 कुरिन्थियों 14:2 स्त्री का सर पे कपड़ा डालना, और न जाने ऐसे कितने स्क्रिप्चर्स. आप एक एक वचन को लेकर आप कोई भी डॉक्ट्रिन्स नहीं बना सकते. मैं इसको भी ऐड करता हूं, अगर भविष्य में उसको दिखा सकूं तो मैं आपको दिखाऊंगा. आइए देखते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था. ना सबसे पहले मत्ती की किताब उसका 5:19, ये कुछ सेकंड के लिए मैं रख रहा हूं, आप इसको देख लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ता हूं. जी, कितने लोग जुड़ गए यहाँ पे? 108. वंडरफुल. और यहाँ सब ठीक दिख रहा है, पूरा फ्रेम में है सब कुछ. जी, अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं आपके लिए फिर से पढ़ना चाहूंगा. जो कि कहता है, इसलिए कि जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, ये शब्द देखिए, तोड़े, और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा. परंतु जो कोई इनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा. तो इसका मतलब है आपको कोई भी वचन, आपको किसी भी प्रकार का वचन, स्लो बात करने वाले, आपको किसी भी प्रकार का वचन को आप जैसा है उसके कॉन्टेक्ट को समझ के आपको वैसे ही बोलना है या सिखाना है. यहां पे लिखा है सिखाना, तो इसका मतलब है वैसे ही लोगों को सिखाए, तोड़ मरोड़ के, गलत तरीके से, वो चाहे सर पे कपड़ा डालना हो एक्स वाई जेड. तो आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे सीख रहे हो, कैसे सिखा रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, ये बहुत मैटर करता है. नाउ इसको देखिए, 2 पत्रस 3:15-17, ये पौलुस का स्टेटमेंट पत्रस कह रहा है, पौलुस का स्टेटमेंट पत्रस कह रहा है. ऊपर से पढ़ना शुरू कर लीजिए आपके स्क्रीन में, अगर आपको दिख रहा है. कहता है कि और हमारे प्रभु के धीरज को उदार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा. फिर आगे कहता है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में, उसकी कम से कम 13 से 14 पत्रियां हैं, अगर हम हिब्रू की किताब को भी गिनती करें 13 से 14, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें से कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है. मैं रिपीट करता हूं, कहता है कि पौलुस की कुछ बातें ऐसी है जिसका समझना कठिन है, जिनका समझना कठिन है. साथ ही साथ और लिखा है कि अनपढ़ और चंचल लोग क्या करते हैं, उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं.
जिसको इंग्लिश में कहते हैं डू नॉट मैनिपुलेट द स्क्रिप्चर, डू नॉट ट्विस्ट द स्क्रिप्चर. आपको स्क्रिप्चर को या वचन को ट्विस्ट नहीं करना है. जैसा आपको ठीक लगता है वैसा नहीं बोलना है. आपकी संस्था ने जैसा सिखाया है आप वचन को उठाकर उसका सहारा लेकर आप वैसा मत सिखाइए. वो जैसा घटा था, वो जैसा हुआ था, वहां का कल्चर, वहां का सिटी, वहां का स्टेट, का हर चीज को आपको बैकग्राउंड को चेक करके फिर बताना है. क्योंकि आपके पूर्वजों ने सिखाया, क्योंकि आपके सो कॉल्ड फेवरेट पास्टर ने सिखाया, क्योंकि ये सदियों से चला रहा है. नो, आपको वचन को ठीक से समझना है. इसलिए पत्रस पौलुस के पत्रियों के बारे में कहता है कि जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को पवित्र शास्त्र की और बातों की ना खींचतान कर अपने नाश का कारण बनाते. ना इसको देखिए वचन 17 लिखा है, इसलिए हे प्रियो तुम भी, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो. ये लाइन को फिर से देख लीजिए आप लोग. ये लाइन को कहता है, इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो. अब आगे पढ़िए, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो. हाथ से कहीं खो ना दो. तो इसका मतलब है कि पौलुस के वचन को उस वक्त भी और आज भी खींच तान कर मैनुपलेट कर ट्विस्ट कर बहुत सारी चीजों को पेश किया जाता था. अब आइए एक एक वचन को कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जो कि कपड़ा सर पे स्त्री डाल सकती है या नहीं. नाउ सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको देख लें. सबसे पहले यहां स्त्रियों की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है पति पत्नी की. ये कुछ सेकंड तक मैं रख रहा हूं, आप जब तक इसको देख लीजिएगा. जी जी, यहां पे अभी कितने लोग देख रहे हैं? 110. ओके, यार सब ठीक है वहां पे? वंडरफुल. ना बेहद खुशी है कि लोग कॉल कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का स्वागत है आज के डैनियल राज प्रोग्राम में. और साथ ही साथ हमारी जो टीम है वो कॉल्स को ले रही है, सवाल को पूछा जा रहा है. ठीक है ना, मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन पहले इसको फिनिश करते हैं. ना मैं वापस रिपीट करता हूं कि सबसे पहले यहां स्त्रियों की बात नहीं हो रही. मैं रिपीट करता हूं, यहां स्त्रियों की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है पति पत्नी की. ना बड़े ध्यान से सुनिए, स्त्रियों की कैटेगरी में मैं आपको बताता हूं कौन कौन आता है. एक आता है शादीशुदा औरत स्त्री, दूसरा आता है अशादीशुदा औरत यानी कि कुंवारी स्त्री, तीसरा आपको ताज्जुब होगा और आप उसको कैसे लेते हो मुझे नहीं मालूम, तीसरा है यूनक यानी कि किन्नर्स. उसको भी जो है स्त्री के कैटेगरी में अगर मैं डालूं तो वो हो गया तीसरा कैटेगरी. तो क्या उसके बारे में बाइबल कुछ कहती है? नहीं ना. जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो आपको स्पेसिफिक सटीक पढ़ना जरूरी है. मैं रिपीट करता हूं कि यहां पे बात हो रही है पति पत्नी की, स्त्रियों की नहीं. ना आइए देखते हैं, इसको देख लीजिए. 90% लोग कहते हैं परमेश्वर के लिए सर ढको. मैं रिपीट करता हूं, 90% लोग कहते हैं परमेश्वर के लिए सर ढको, जबकि ऐसा नहीं है. इसलिए जब मैंने कहा ना यहां पे कि इसका सीधा जवाब है नहीं, तो आपको थोड़ा सा अलग लगा होगा, लेकिन अब आप समझे होंगे मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूं. तो यहां पे 90% लोग चर्च में क्या सिखाते हैं, वो चाहे पेंटिकोसल चर्च हो, टीपीएम हो, कैथलिक हो, या फिर कैरिस्मेटिक हो, साउथ का हो, नॉर्थ का हो, आपका किधर का भी चर्च हो, वो यही सिखाता है. आप प्रार्थना में आए हैं सर ढक के आइए, आप प्रार्थना में बैठे हैं सर ढक के बैठिए. 90% लोग कहते हैं परमेश्वर के लिए सर ढके. ना मेरा ओपन चैलेंज है उन सभी को जो मुझे एक वचन कहीं से भी ओल्ड से न्यू से निकाल के बता दे कि औरत ने सर पे कपड़ा परमेश्वर के लिए डालना है, मुझे निकाल के बता दे. जी मेरे प्रचार में मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको 18 पता है उसको 17 मत सिखाइए, आप 19 सिखाइए, मैं आपके पैरों के पास बैठकर सीखूंगा. मुझे वचन से अगर कोई खिलवाड़ करता है या उल्टा सीधा उसको पेश करता है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे. आप मुझे भी बर्दाश्त मत करिए. मेरा हर चीज, मेरा एक भी स्टेटमेंट विदाउट स्टडी नहीं होता. मैं फर्स्ट डे बता चुका हूं,
मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ, मैं ग्रीक को स्टडी कर रहा हूँ, मैं हिब्रू को स्टडी कर रहा हूँ, कई ट्रांसलेशंस, मैं हिस्ट्रीज को स्टडी कर रहा हूँ, उनके कल्चर को स्टडी कर रहा हूँ, और तब जाकर मैं एक स्टेटमेंट पे आता हूँ। मैं बिना स्टडी करे स्टेटमेंट पे नहीं आता। अगर राह चलते आपको कोई एड्रेस पूछे कि भाई ये शहर कहाँ जाता है, या ये एड्रेस कहाँ है, या फिर ये गांव कहाँ पड़ता है, अगर आपको पता है तो आप डंके की चोट पे बोलते हो ना कि ये बिल्कुल राइट जाएगा तो पहुंच जाओगे, लेफ्ट है तो पहुंच जाओगे। वैसे ही पूरे तैयारी के साथ में मैं बात करता हूं। मैं फिर कहता हूं कि 90% लोग कहते हैं परमेश्वर के लिए सर पे कपड़ा डालो। मैं वापस कहता हूं, मुझे निकाल के बताइए, मेरा नंबर दोनों अवेलेबल है। आप में से कोई भी अभी कॉल कर सकता है, मैं आपको सच कहता हूं। अगर आपने प्रूफ कर दिया, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। ये सीधी बात है। चलिए अब इसको क्लियर करते हैं और एक एक तरीके से उसको क्लियर करेंगे। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मुझे वचन पढ़ने के लिए कोई चाहिए। सबसे पहले पहला कुरिन्थियों 11 का 1 से पढ़ेंगे 2 तक, फिर मैं आपको 3 वाला वचन आपके बीच में रख रहा हूं। जी, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय वचन 1 से लेकर 2 तक। जी, तुम मेरी सी चाल चलो जी, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। जी, आगे 2 तक। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो जी, और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है। ओके, बड़े ध्यान से सुनना, शब्द को ठीक करेंगे, लिखा है परंपराएं, पढ़िए वापस से। और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है, हाँ, उनका पालन करते हो। ओके, अभी वचन 3 ये आपके स्क्रीन पे आ गया, आगे पढ़िए पढ़िए। परंतु मैं चाहता हूँ, हाँ, कि तुम यह जान लो, हाँ, कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, हाँ, और स्त्री का सिर पुरुष है, हाँ, और मसीह का सिर परमेश्वर है। बस अब यहाँ पे रुक जाएंगे, आप बैठ जाइए। जो कि कहता है कि मैं चाहता हूँ, पौलुस कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम ये जानो, और ये अच्छी बात है आपको जानना है। कहता है कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर उसका पति यानी पुरुष। मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहां पे बात हो रही है पति पत्नी की। यहां पे सब स्क्रीन में ठीक है, मैं रिपीट करता हूं कि यहां पे बात हो रही है पति पत्नी की। कितने लोग जुड़ गए अभी तक? 176। ओके, वंडरफुल। और अगर इससे रिलेटेड कॉल आता है, सुनिए आप लोग, अगर इससे रिलेटेड कॉल आता है तो मुझे बताइए, ठीक है? पति पत्नी, सॉरी, औरत का सर पे कपड़ा ढकने वाला अगर ये आता है तो मुझे आप लोग बताइएगा। मैं वापस पूछना चाहता हूँ, क्या आवाज ठीक से आ रही है? तो मुझे नीचे टाइप करके बताएं कि आवाज जो है बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इस बारी मैंने उसको थोड़ा माइक को नीचे रखा है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए वापस आते हैं। मैं वापस कहता हूँ कि पति पत्नी की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो पुरुष है वो स्त्री का पति है, और जो स्त्री है उसका पत्नी, पुरुष का जिक्र पत्नी के साथ में हो रहा है, स्त्री के साथ में, तो वो उसकी पत्नी है। तो कॉन्टेक्स्ट, वापस कह रहा हूं, कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, बात हो रही है, थैंक यू, बात हो रही है पति पत्नी की। तो मैं वापस कहता हूं कि पति का सिर मसीह है, औरत का सिर यानी पत्नी का सिर उसका पति है। तो कॉन्टेक्स्ट यहां पति पत्नी करे, तो इसका मतलब है कि दो स्त्रियां यहां से बिकट गई, एक है कुंवारी यानी कि शादी नहीं की हुई और या विधवा, और दूसरा है किन्नर यानी कि यूनक। आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, वो अभी यहां से हट गए, तो उनका विषय अभी यहां पर नहीं है। तो जिनकी शादी नहीं हुई उनका तो विषय ही खत्म हो गया कि सर पे कपड़ा डालो या ना डालो, जो कि मैं आऊंगा कल्चर के ऊपर भी, उनका विषय खत्म हो गया। आप सर पे कपड़ा डाल के आ भी सकती हैं, आप कपड़ा जो है सर पे ना डाले तो भी चलेगा, क्योंकि आपका तो यहाँ पे लिस्ट में नाम है ही नहीं। बात हो रही है पति पत्नी की, आइए उसके ऊपर भी आते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 11:4 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कहता है कि जो पुरुष, ऊपर देख लीजिए लिखा है कि जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वो अपने सिर का अपमान करता है। यानी कि पुरुष किसका अपमान कर रहा है? मसीह का, अपने सिर का। उसका सिर कौन है? उसका सिर यानी यीशु मसीह उसका सिर है ना। वचन 5 कहता है परंतु जो स्त्री सिर पे कपड़ा नहीं डालती या उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, परमेश्वर का नहीं। मैं वापस कहता हूं यहां परमेश्वर नहीं लिखा है, यहां लिखा है उसका सिर। तो उसका सिर कौन है? ये देख लीजिए आप, वापस डाल दिया मैंने, तो उसका सिर उसका पति है, तो वो पति के लिए सर पे कपड़ा डाले। अब मैं रिपीट करता हूं कि वहां का कल्चर क्या था, वहां का शहर का सिस्टम क्या था, वो अलग विषय है। एक वचन को उठाकर आप अगर संस्थाओं को या कलीसियाओं को डॉक्ट्रिन बताइए, देखो करना जो करना है वो आप लोग करोगे, डैनियल राज आकर अगर सुधार नहीं सकता तो बिगाड़ क्या सकता है, ये विषय अलग है। आपको जैसा ठीक लगता है आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं ये पहले दिन से बोल रहा हूं और मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जानकारी बांट रहा हूं।
ये आपके दिमाग में फिक्स कर लीजिए। तो मैं वापस आता हूं कि उसका सिर कौन है, किसका, औरत का, उसका पति। तो यहां पे लिखा है कि जो औरत सिर पे कपड़ा नहीं रखती है वो अपने पति का अपमान करती है, तो उसका पति का अपमान हो रहा है। तो वो जाने, उसका पति जाने, और वहां की कलीसिया जाने, वहां के लोग जाने, इसको उठाकर पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट ये क्यों डाल दिया कि अगर औरत चर्च में आती है तो कपड़ा डाल के आए, सर पे कपड़ा डाल के आए, ये क्यों? आप सोच के देखिए, ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर क्रिस्टल स्क्रिप्चर आपके पास में नहीं है कि सर पे कपड़ा डालना ही है, और वो भी हर कलीसिया को, ऐसा नहीं है। पौलुस ने 13-14 लेटर लिखे, तो उसने एक ही कलीसिया को क्यों लिखा कि सर पे कपड़ा डालो? आप सोच के देखिए, बाकी कलीसिया को क्यों नहीं लिखा? उसने रोम की कलीसिया, एफिसियों की कलीसिया, गलतियों की कलीसिया, तिमोथियस की कलीसिया, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया, आपके तीतुस और फिलेमोन, उनकी कलीसिया को क्यों नहीं लिखा? उनको भी तो लिखना चाहिए था ना। और हर कलीसिया का एक ही नियम होना चाहिए ना, फिर कुरिन्थी की कलीसिया के क्यों? सोच के देखिए ना। अगला देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 11:6, यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी काट ले। मैं रिपीट करता हूं, बाल काट ले, लेकिन कितना काटे? आपका नाम क्या है? उसको बोलो धीरे बात करने के लिए। मैं रिपीट करता हूं कि यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी काट ले, तो वो कितना बाल काटे? मतलब कैसे रखे? वो बॉब कट रखे, या कंधे तक बाल रखे, या फिर कमर के नीचे तक बाल रखे, कितना रखे? ये नहीं है ना मेंशन, बाल काट ले। फिर आगे कहता है, यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। तो किसको सलाह दे रहा है? किसी की पत्नी को सलाह दे रहा है। मैं वापस कहता हूं, आप जब वचन को पढ़ते हैं तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना है, किसको लिखा है, किसके बारे में लिखा है, क्या ये उस तक के लिए है या हम सब तक के लिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है ना। तो यहां पे लिखा है कि वो बाल काटे तो वहां के चक्कर चल रहा था या वहां की समस्या चल रही थी, जो कि अलग विषय है। अब क्योंकि मेरे पास में आपको दिखाने के लिए प्रूफ नहीं है, उन दिनों में विशेष करके कुरिन्थियों की कलीसिया में जो वेश्याओं का काम करती थी, जिसको हम कहते हैं ब्रॉथल कीपर, इंग्लिश में वेश्याओं का जो बिजनेस करती है उनको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉथल कीपर्स, तो वो सर के जो है बाल काटती थी, वो मुंडन क्षमा करे सर पे बाल रखती थी, उनके लंबे लंबे बाल होते थे, और वो सड़क पर बाल खुले रखकर ये इशारा करती थी कि बिजनेस करवाने वाली वो औरत मैं हूं, जिसको कहते हैं ब्रॉथल कीपर्स। तो पौलुस ने कहा कि अगर आपको अगर ऐसा है, तुम खुले बाल रखकर आती हो, तो पहली बात तो लंबे बाल मत रखो, छोटा कर लो ताकि किसी को तकलीफ ना हो, दूसरा सर के बाल काट लो ताकि ये ना पता चले कि तुम ब्रॉथल कीपर हो, या फिर अगर ये सब प्रॉब्लम नहीं है तो सर पे कपड़े डालो ताकि पता ना चले किसी को कि तुम कौन हो। और ऐसे लोग जो कन्वर्ट हो जाते थे, कन्वर्ट से मेरा मतलब यीशु में आ जाते थे, तो वो सर के बाल को ऐसे ही रखते होंगे। कुरिन्थियों की कलीसिया में अन्य जाति की कलीसियाएं आती थी, और उसी का चक्कर तो कुरिन्थियों की कलीसिया में भी था कि अन्य जाति के लोग वहां आते थे, जो मूर्ति पूजक थे, जो ये सारा काम करते थे, तो ये कल्चर है उनका, ये कॉन्सेप्ट है। अब उसको उठाकर अगर भारत में जोड़ दोगे या फिर किसी और कंट्री में जोड़ दोगे, ये नहीं चलेगा। इसलिए वचन कहता है, पहला दिन बता दिया, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय कोई पढ़ेगा, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 15, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 15। जी निता सोलोमन देख रही है तो स्क्रिप्चर डाल दे। जी दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 15, जी दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 15। जी मैं चाहता हूं कि मैं आपको अगर मिलता है तो अच्छी बात है, जल्दी से देख लीजिए, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 15, जो कि कहता है 2:15, जी दूसरा तिमोथी 2:15, जी जो कि कहता है, जी जी अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, हाँ, जो लज्जित होने ना पाए। किस चीज में लज्जित ना होने पाए वो भी देखिए, किस चीज में शर्मिंदा ना होने पाए वो भी देखिए, आगे, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। थैंक यू। मैं वापस इंग्लिश में लिखा है कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड और राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर के वचन को ठीक से काम में लाओ। मैं यहां क्या कर रहा हूं 3 दिन से 4 दिन से, वचन को आपके बीच में ठीक तरीके से पेश कर रहा हूं, वचन को कॉन्टेक्स्ट में पेश कर रहा हूं, मेरी ये कोशिश है और मैं करते आ रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगता है। लेकिन यहां पे जो बात हो रही है वो उसी विषय पे बात हो रही है, ध्यान को समझे, बात को समझे, ये उसी विषय पे बात हो रही है। वो कहता है अगर सर पे ओढ़नी नहीं ओढ़ना है तो सर के बाल काट ले,
या फिर ना मुंडन हो जाए, मुंडन करा ले, अगर उसको लगता है कि ये लज्जा की बात है तो और नहीं हो रहे, तो ये उसके पति का मैटर है, उसकी पत्नी का मैटर है, वो देख लेंगे, इसको उठाकर पूरी दुनिया में क्यों डाला ना। अगला देखिए, फिर कहता है पौलुस पहला कुरिन्थियों 11 का 10 में, जिसको बड़े ध्यान से सुनना जरूरी है, कहता है अगर ऐसा सब कुछ नहीं करना है तो कहता है वचन 10 में, इसलिए स्वर्गदूत के कारण। अभी देखिए पहला क्या था, पुरुष के लिए, फिर क्या आ गया है अभी, स्वर्गदूतों के लिए, और लिखा है स्वर्गदूतों के लिए। अब ये कौन से स्वर्गदूत हैं जिनको ये नहीं पता कि किसका अधिकार क्या है। मैं वापस आपको पीछे ले जाता हूं, मैं आपको वापस पीछे ले जाता हूं, जो कि पौलुस कहता है वचन 3 में, कहता है कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर उसका पुरुष है, मसीह का सिर परमेश्वर है, ये अथॉरिटी है, ये अधिकार है। अभी वचन क्या कहता है वो भी देख लीजिए, वचन कहता है स्वर्गदूत के कारण स्त्री को उचित है अधिकार, तो कौन सा अधिकार, अथॉरिटी इंग्लिश वर्ड है, तो इसका मतलब है कि स्वर्गदूतों को नहीं पता कि पुरुष का सिर कौन है, स्त्री का सिर कौन है, मसीह का सिर कौन है, उसके कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पे रखे। अब यहां पे कपड़ा हट गया, यहां पे अधिकार आ गया, आपको यह भी समझना है ये स्वर्गदूत कौन सा है। हालांकि लिखा नहीं है इसलिए मैं भी बोल नहीं सकता, लेकिन बाइबल कहती है यही कुरिन्थियों के पत्री में, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय वचन अगर आप 14-15 पढ़ोगे तो कहता है कि स्वर्गदूत भी, क्षमा करे शैतान भी स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है। ये कौन से स्वर्गदूत है, ये भी प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। तो इसका मतलब है कि आपको ये समझना जरूरी होगा कि यहाँ पे पौलुस जो है ना वो सब महिलाओं की बात नहीं कर रहा। अभी वचन 16 देखे, ये गजब का है, बड़े ध्यान सुनिए, जो कि कहता है परंतु यदि, बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जाने कि ना हमारी ना परमेश्वर की कलीसियाओं, ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। तो इसका मतलब है पौलुस कहता है ना हमारी ना परमेश्वर की कलीसियाओं की, तो मतलब परमेश्वर की भी ये रीति नहीं है, पौलुस की भी ये रीति नहीं है। फिर क्या कहता है, प्रश्न उठता है कुरिन्थियों पहला, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 16 केजीवी वर्जन के हिसाब से, बट इफ एनी मैन सीम्स टू बी कंटेंशियस, का मतलब है वाद विवाद, कंटेंशियस, वी हैव नो सच कस्टम नीदर द चर्चेस ऑफ गॉड, मतलब ना परमेश्वर का कलिसिया का ये नियम है, ना पौलुस कहता है हमारा। तो जिस शहर का ये कस्टम था, जिस शहर का ये विषय था, वो करें, उसको उठाकर सारी कलीसियाओं में क्यों डाल दिया गया ना, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। तो फिर ये रीति जो शुरू में पढ़ा, ये रीति किसकी है, ये प्रश्न चिन्ह के साथ में मैं आपके सामने ये स्लाइड को कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं। ये किसकी रीति है, आप सोच के देखिए, क्या ये आपके चर्च की रीति है, वचन कहता है नहीं ये हमारी रीति नहीं है, क्या ये बैप्टिस्ट की है, क्या ये कैथलिक की है, मार्थोमा सीएनआई लूथरन ब्रदरन, क्या ये अफ्रीकन या फिर अमेरिकन, नो ये इसकी रीति नहीं है। मैं कल्चर के ऊपर आऊंगा जो कि अभी मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट वहां पे भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं वापस कहता हूं कि सर पे कपड़ा डालो या सर पे कपड़ा ना डालो, ये आपका पर्सनल चॉइस है, आपके पति का रिलेटेड है, इसके बीच में परमेश्वर को मत डालिए, क्योंकि एक भी स्क्रिप्चर, मैं वापस कहता हूं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, मुझे एक भी स्क्रिप्चर परमेश्वर के लिए औरत ने सर पे कपड़ा डालना है ऐसा लिखित में निकाल के बताइए। चलिए मैं फिर वापस पूछूंगा, यहां पे सब ठीक चल रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, 207 वंडरफुल। ना मुझे कोई कॉल आता है तो बताइए, मैं यहां जाने से पहले, इस टॉपिक पे नहीं है तो चलेगा चलेगा जी, उनको बोलो कि पास्टर डैनियल आपका सवाल का जवाब दे, उनसे सवाल करो, स्पीकर ऑन करके दो जी, एक कॉल ले लेते भैया। हेलो हेलो सर जी, हेलो सर, आई एम फ्रॉम कोलकाता सौरभ चक्रवर्ती जी, बोलिए सर, आपका स्वागत है आस्क डैनियल राज लाइव फेसबुक प्रोग्राम में। आप पीछे का वॉल्यूम बंद कर दीजिए भैया पहले, एकदम 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 सर, आप पीछे का टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए जी, बोलिए सर, कि मैं कोलकाता से बोल रहा हूं, मैं तो आपको फोन करता रहता हूं, अच्छा लगता है आपसे बात करने में, कुछ शिक्षा भी मिलते हैं जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि जोन 16-15 में ईश्वर ने बोला है कि मैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु हमने तुम्हें चुना जी जी, फिर भी ईश्वर ने क्यों बोला कि जाओ सारा जगत में सुसमाचार दो, मतलब सर बाइबल में बोला है ना जोन 16-15 में,
हमने तुम्हें चुना लेकिन तुमने हमें नहीं चुना। हाँ अगर ईश्वर का सब चुना हुआ लोग है तो हम लोग को सुसमाचार। अच्छा 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 ओके ओके ऐसे आ रहे हो। ओके ओके देखिए वो कॉन्सेप्ट अलग है कि तुमने मुझे नहीं चुना मैंने तुम्हें चुना है लेकिन वो सेवकाई के लिए चुना है। अच्छा लेकिन पूरे जगत को सुसमाचार सुनाने के लिए वो अलग विषय है सर। उसको मिक्स नहीं करना इसके साथ में मिक्स नहीं करना है। वो वचन तो सबको सुनाना है और जब वचन सुनाते हैं ना देखो प्रभु पूरी दुनिया को बचाना चाहते हैं। योना 3:16 में क्या लिखा है परमेश्वर ने जगत से बस तो पूरे जगत से प्रेम किया ना सर। लेकिन वचन कौन सुनाएगा इसके लिए तो चुनना पड़ेगा ना। आप देखिए एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक ऑफिस है उसमें एम्प्लॉयज की जरूरत है मतलब नौकरी की जरूरत है किसी को तो बहुत सारे लोग है ना ये देते हैं अपना अपना क्या बोलते हैं बायोडाटा देते हैं या फिर अपनी अपनी लेटर देते हैं कि भाई हमको नौकरी पे रखो। तो ऊपर जो हेड होता है वो तय करता है ना कि मुझे किसको चुनना है। वैसे ही सेविकाई के लिए किसको चुनना है ये प्रभु तय करेगा और हम सबको सेवा करना ये बात अलग है लेकिन कौन कहाँ जाएगा कौन कौन से शहर में जाएगा ये प्रभु तय करेगा। ये वो कॉन्सेप्ट है सर। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। अगर कोई दूसरा आता है कॉल दे दो या उनको बोल के दो स्पीकर ऑन करके दो और सब रेडी करके दो। जी आप लोग जो अभी मेरे साथ में बने हुए हैं आप लोग बने रहे और आशा करता हूँ कि ये जो सर पे कपड़े का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ है। फेसबुक और यूट्यूब वालों बड़े ध्यान से सुनेगा गड़बड़ तो बहुत है साहब। जी जी प्रेज़ द लॉर्ड। जी बोलिए। राइट सर नहीं अगर आप ऊपर से पढ़ते आओगे ना भैया ऊपर से पहला योना का 5वां अध्याय का 1 से पढ़ते आओगे ना तो पाप के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे बात करते करते कि कुछ पाप ऐसा है कुछ पाप ऐसा है तो वो कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सवाल पूछा था और मैं उनको जवाब दे चुका हूँ लेकिन अभी क्योंकि आपने सबके सामने पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि ऐसा कोई पाप नहीं है और ऐसा कोई पाप है ये भी नहीं है। ये एक एक बात हो रही थी कि पाप नहीं करना है पाप नहीं करना है तो वो कॉन्सेप्ट में है कि ऐसा कोई पाप। अभी कुछ लोग ने मुझे कॉल करके पूछा कि कौन सा पाप है तो ऐसा लगता है कि वो पाप को बहुत हाइट में डाल दिया मतलब उसकी जो सीमा है ना बहुत ऊंची कर दी है कि ऐसा कौन सा पाप है। तो ऐसा कोई पाप 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 होता है सर। पाप पाप होता है ना वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो पाप पाप होता है ना। हाँ अगर एक चीज ऐसा है फिर देखो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ऐसा कौन सा पाप है जिसकी मृत्यु नहीं है तो इसका मतलब है जी इसका मतलब है कि अगर आप पाप करते हैं और आप माफी मांगते हैं तो प्रभु आपको माफ करता है ये भी तो है ना सर। तो ऐसा कोई और मैं अभी बता चुका हूं एक वचन को उठाकर कोई भी डॉक्ट्रिन्स नहीं बननी चाहिए। एक वचन को उठाकर सपोर्टेड स्क्रिप्चर है तो अलग विषय राइट। या थैंक यू गॉड ब्लेस यू। या मैं समझता हूँ एक आखिरी कॉल लेते हैं फिर इसके ऊपर आते हैं। जी यहाँ सब ठीक चल रहा है देख लीजिए। अच्छा जो मोबाइल पे आवाज आती है वो आप लोगों को सुनाई दे रही है तो वो भी टाइप कर दें कि मोबाइल की भी आवाज यानी कि कॉलर्स की आवाज आपको ठीक से सुनाई दे रही है तो वो भी बता दें प्लीज। थैंक यू। जी हाँ जी एक फोन है उसको उठा लीजिए पहले लाइए मुझे दीजिए स्पीकर ऑन करके। जी बोलिए भैया। या प्रेज द लॉर्ड इस वक्त में आप लाइव हैं भैया आज के डैनियल राज लाइव फेसबुक में आपका स्वागत है बोलिए। जी 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 थोड़ा फास्ट पूछिए भैया फास्ट। परमेश्वर ने आदम को और हवा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है ना। जी अच्छा 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 तो जबकि परमेश्वर ने स्वरूप में बनाया तो वो शैतान के बहकावे में कैसे आ गए ये पूछ रहे हैं आप। ओके देखिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया राइट लेकिन उनको रोबोट नहीं बनाया। रोबोट समझते हैं आप रोबोट रोबोट समझते हैं मशीन का आदमी। जी वैसा नहीं बनाया रोबोट नहीं बनाया उनको फ्री विल दिया था जिसको हिंदी में कहते हैं स्वयं इच्छा। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और कहा कि ये सही है ये गलत है ये नहीं करना है ये करना है ऐसा करके उनको आज्ञा दी थी और उनकी इच्छा पे छोड़ दिया था।
जैसे आपके घर जी स्वरूप और समानता में बनाया तो मतलब वो ये क्या? नहीं 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 वापस बोलिए वापस बोलिए। जी तो आपका ये बोलने का मतलब है कि वो परमेश्वर की तरह बन जाना चाहिए। अच्छा नहीं 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 वो नहीं होगा ना भैया, परमेश्वर अकेला परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ लिमिटेशन दी है, मनुष्य को कुछ लिमिटेशन दी है। उस वक्त में भी लिमिटेशन था और परमेश्वर ने कहा था कि तुम इतना कर सकते हो और इतना नहीं कर सकते हो। ये आपको समझना जरूरी है। परमेश्वर की समानता में लाइकनेस एंड इमेज का मतलब है ये नहीं है कि अच्छा ठीक है और एक सवाल पूछता हूं भैया, पूछ सकता हूं और जितने व्यूवर्स है वो भी सुनेंगे ध्यान से। आदम गलती करा ये आपको कब पता चला भैया? आदम ने गलती करा ये आपको कब पता चला?